तो ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की ओर, जहाँ एक ओर सरकार पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं सोनभद्र के सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ हो रहा है खिलवाड़। साथ ही बच्चे पढ़ाई करते हुए ना आकर बर्तन धोते हुए आ रहे हैं। बताते चले कि सोनभद्र जनपद के नगवा ब्लॉक क्षेत्र के आमदी गांव में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर घर से स्कूल गए नौनिहालों को तालाब में बर्तन धुलाया जा रहा है। जबकि अभी हाल की कई ऐसी शिक्षा विभाग की घटनाओं पर नजर डालें तो हाल के दिनों में लापरवाही सामने देखने को मिल चुकी है। सबसे ताज़ा मामला दूधी का है, जहां पर दीवार गिरने से मासूम की भी मौत हो चुकी थी। बावजूद शिक्षा विभाग के हुक्मरानों को इस प्रकार की कोई चिंता नहीं कि अगर तालाब में बच्चे गहरे पानी तो चले जाए तो परिणाम क्या होगा। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, नगमा ब्लॉक के आमदी गांव प्राथमिक विद्यालय का है। तो यहां पे मिड डे मील में बर्तन धोते हुए तालाब में दिखा जा रहा है बच्चों को। तो क्या है मामला सर और क्या कार्रवाई किया गया है? हाँ, ये गत सप्ताह की बात है। यहाँ पर जो आमडी है, गांव है नगमा में, वहाँ पर हमारा विद्यालय है। उस विद्यालय में चार दीवारी भी है, बोरिंग भी है, पानी की व्यवस्था के लिए वहाँ पर जो मोटर की व्यवस्था भी है। परंतु कुछ समय पानी ना आने के कारण वहाँ पर पानी की दिक्कत हुई थी। बाहर से पानी ला करके भोजन बनाया गया और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद कतिपय बच्चे गेट से बाहर एक रसोईया के साथ बाहर चले गए और वो एक पास के खेत में जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें थाली डुबोने लगे। ये घटना संज्ञान में आई। हम लोग लगातार इसके लिए SOP जारी कर रहे हैं और टीचर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भोजन के जो बर्तन हैं उनमें पूरी शुद्धता रखी जाए। उसके बावजूद भी प्रधानाध्यापक की इसमें लापरवाही प्रदर्शित हुई है और जैसे ही घटना लास्ट वीक ही हमारे संज्ञान में आई थी, तुरंत ही प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। जो रसोईया है उसको नोटिस निर्गत किया गया है और जो अन्य अध्यापक हैं उनको भी नोटिस निर्गत करते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।